तो फ्रेंड्स, इस जुगाड़ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पानी की टंकी चाहिए जो कि कूलर के साथ में ही आती है, और इसमें एक हमको निपल लगानी है जो कि कूलर के ऊपर जो टप होता है उस टप में लगी होती है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसके सारे जो पार्ट्स हैं इसको हमें आपस में जोड़ लेना है। तो सबसे पहले ये जिसमें मोटर लगी है पंखड़ी, उस वाले पार्ट्स को और इस खिड़की को जोड़ लेंगे आपस में। इसी तरीके से नट बोल्ट लगा के कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे करके इसके तीनों चारों बोल्ट पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे। ये जो तार आप देख रहे हैं ये पानी की मोटर के हैं, और इनको टेप लगा के इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके बाद इसके दूसरा पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से चारों पार्ट को जॉइंट करने के बाद में ये हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा कूलर जो है कंप्लीट हो गया है। यह है ऊपर का टप जो कि इसमें जो निपल लगी हैं इन दोनों को आपस में एक पाइप की मदद से कंबाइन कर देंगे। जैसे कि ये पाइप का टुकड़ा है इसको इस तरीके से इसमें, और दूसरा सिरा दूसरे सिरे को इसमें लगा देंगे जिससे कि पानी इसका आपस में नीचे नहीं जाएगा। तो पानी नीचे नहीं जाएगा जिससे कि पानी की मोटर पर भी नहीं जाएगा, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इसलिए इसको हम लगा देंगे। अब इसके टप को हम इसके ऊपर लगाने के बाद में इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा मेन स्विच है इसका, और ये जो है बाल्टी एक चाहिए हमको, इस बाल्टी को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें एक होल होना बहुत ज़रूरी है इसके ढक्कन में। इस तरीके की आपको एक बाल्टी लेनी है जो कि ऑयल की बाल्टी होगी, और ये जो है एक हमारे पास पानी की मोटर है इसको भी हमें यूज़ करना है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। चलिए इस बाल्टी को हम यहाँ पर रख लेते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो कूलर है इसकी हाइट हम नाप लेंगे, क्योंकि हाइट के हिसाब से इसमें पाइप की ज़रूरत होगी। तो हम पाइप लगाने से पहले इसकी हाइट नाप लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है जहाँ भी आप कूलर रखते हैं, तो ये हमारी ये 55 इंच है। तो 55 इंच के अलावा हमें एक्स्ट्रा ही पाइप लेना है, तो करीब 60 इंच का हमें एक पाइप का टुकड़ा लेके पानी की मोटर में लगा देना है कुछ इस तरीके से। और जो तार है उसको भी हम बड़ा कर देंगे जैसे कि आसानी से किसी भी प्लग में हम लगा सकते हैं। तो ये हमने इसमें होल में होके निकाल दिए हैं दोनों चीज़ें, तार और पाइप को कुछ इस तरीके से, और ये जो है हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी आप एक निपल भी लगा सकते हैं इसमें, जिससे कि पानी जो है आराम से उसके अंदर ही जाए, टप में बाहर ना फैले। तो इस तरीके से हमने एक जुगाड़ से तार की जुगाड़ से बांध दिया है इसको, जिससे कि हम इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकेंगे। तो ये हमने ये जो निपल होती है कूलर की, उस निपल में इस तार को फोल्ड करके इसमें फंसा दिया है, जिससे कि पाइप नीचे गिरेगा नहीं और पानी प्रॉपर इसके अंदर आता रहेगा। एक पाइप का टुकड़ा और ले लेंगे जो कि जो हमने निपल लगाई थी पानी की टंकी में, उसमें एडजस्ट कर देंगे, और उसका दूसरा सिरा बाल्टी के उसी होल में लगा देंगे, ढक्कन वाले होल में। इस तरीके से हमने दो पाइप इसमें बाल्टी में लगा दिए हैं, एक पानी जाने के लिए और एक पानी वापस आने के लिए। तो ये पानी की मोटर का तार है और ये पाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन दोनों प्लग को हम बिजली में कनेक्ट कर देंगे और इसको अभी हम ऑन करेंगे। तो ये हमने पानी में पानी भर दिया है बाल्टी में, और इस प्लग को हमें लगा दिया है। अब इसको हम अभी ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से कनेक्शन है इसके, ये देखिए। तो ये हमारी पानी की बाल्टी है, इसमें हम पानी को
ठंडा करने के लिए एक पानी की बोतल भी डाल देंगे, जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये पानी को भी ठंडा करती है ये हमारी जुगाड़। तो इस बोतल को हम 2 लीटर की बोतल इसमें डाल देंगे। ये टेम्परेचर मीटर है, इससे पहले इसका टेम्परेचर नापते हैं कितना है अभी पानी का। तो देख सकते हैं ये अभी पानी का टेम्परेचर 37 है और ये धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि पानी थोड़ा बहुत ठंडा भी होगा। तो देख सकते हैं 34 हो गया है, 34 के बाद ये और कम होगा, ये देखिए 33 हो गया है। अभी 33 से ज़्यादा कम नहीं होगा क्योंकि पानी का टेम्परेचर लगभग इतना ही है। अब इसको हम ऑन करते हैं कूलर को, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए पानी इसमें आ चुका है, इसमें पानी चल रहा है और धीरे धीरे इसके सारे पल्ले भीग जाएंगे, घास सारी भीग जाने के बाद। ये देखिए पानी भी कम हो गया, इसमें काफ़ी पानी इसमें आ गया है। और एक जुगाड़ ये भी है, ये पाइप का टुकड़ा लेना है आपको करीब 1 लांब मतलब 6 इंची का, और इसको जो निपल हमने लगाई थी उस निपल में बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो इसके पीछे हम इस पाइप को लगा देंगे, उसमें एक धागा भी बांधा है हमने, अभी देखिए उस धागे का क्या जुगाड़ है। तो ये लगाने के बाद में ये धागा ले लिया है हम, तो इस धागे को जैसे आप ऊपर खींचेंगे तो ये पानी हमारा वापस इसमें नहीं जाएगा। जैसे कि आपका पानी की टंकी में भरा हुआ है एक्स्ट्रा और आप और भी भरना चाहते हैं, तो धागे को ऊपर खींचते जाइए और पानी उतना ही टंकी के अंदर आता जाएगा और बाल्टी में भी पानी रहेगा। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर 33 है और इसको हम ऑन कर देते हैं कूलर को। अब इसका धीरे धीरे अभी टेम्परेचर देखेंगे कितना होता है। तो हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं और अभी फास्ट करने के बाद में फिर हम इसको चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर मीटर क्या बताता है। तो ये लास्ट टेम्परेचर हमारा 23 हो गया है और 23 टेम्परेचर होने के बाद में अब हम देखते हैं कि पानी हमारा कितना ठंडा हुआ है। तो पानी की बोतल को हम निकाल लेंगे और इसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे कितना हो गया है। तो हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं और एक गिलास में इस पानी को हम डालेंगे। तो ये हमने इसको ढक्कन खोल लिया है और ये इस गिलास में हमने पानी को डाल लिया है। अब देखते हैं इस पानी का टेम्परेचर कितना ठंडा हुआ है। तो ये हमने इसका टेम्परेचर सेंसर इसमें डाल दिया है, तो ये अभी निकाल लिया था हमने तो 26 टेम्परेचर हो गया था। अब ये वापस फिर से कम होता जाएगा, ये देखिए 25 हो गया है और भी कम होगा क्योंकि अभी गिलास भी थोड़ा रखते रखते गर्म था, तो पानी इसमें डालते ही थोड़ा सा पानी है तो इतना ठंडा नहीं हो पाएगा। बाल्टी का टेम्परेचर अलग होता है क्योंकि वो पानी उसमें ज़्यादा होता है। तो लगभग टेम्परेचर काफ़ी 23 के आसपास हो जाता है, तो हमने चेक भी किया था तो इसका पानी का टेम्परेचर 23 हो जाता है। अब इसको हम वापस जैसे कि रखना चाहते हैं कूलर को, तो इस तरीके से निकालिए और फोल्ड करके बाल्टी पर रख दीजिए तार और पाइप को, और आप आसानी से इसको उठा कहीं भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।